नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैली फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज बताऊंगा, फ्लैट बैली की एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आप लोगों का बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। और ये सभी एक्सरसाइज जो आप लोगों को करनी है, इससे आप लोगों की बॉडी टोंड भी होगी, एक गुड शेप में भी आएगी और मसल्स भी मजबूत होगी, आप लोग हेल्दी भी रहेंगे, ये सभी चाहते हैं। क्योंकि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना आप लोगों की, ये समझ ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है आप लोगों के शरीर को। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है और आप लोग इतनी चर्बी जो है बढ़ा लेते हैं, तो उन्हें स्क्वीज कीजिए कुछ एक्सरसाइज करके, चाहे वो स्क्वाट एक्सरसाइज ही क्यों ना हो। दिन भर में अगर आप लोग एक पूरी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो भी आप लोग जो है पूरी बॉडी को टोंड करने में आप लोगों को हेल्प मिल जाती है। तो सुबह सुबह उठकर अगर आप लोग स्क्वाट ही कर लेते हैं तो आप लोगों की बॉडी को टोंड करने में आप लोगों को हेल्प मिल जाती है। आज मैं आप लोगों को 6 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप लोगों के साइड बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, यानी कि लूज करेगी साइड फैट को फास्टली। और ये सभी एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप लोगों को हेल्दी खाना भी खाना होगा, चाहे वो फूड जो है वो पत्तेदार ही क्यों ना हो। तो ऐसे फूड्स को खाने से आप लोगों की चेहरे की चमक भी बरकरार रहेगी, आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट भी बरकरार रहेगी। तो सभी एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने शूज़ को बांध लीजिए, या हम लोग कहें शूज़ को पहनने के बाद उन्हें टाइट कर लीजिए और तैयार रहिए। साथ ही आप लोगों की योगा मैट जो है उसे भी प्रिपेयर कर लीजिए, और योगा मैट को प्रिपेयर करने के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो इस प्रकार है, और ये 40 सेकंड तक आप लोगों को करनी है। क्रॉस ओवर टॉय टच जो है आप लोगों को करनी है, पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को दोनों पैरों को फैला लेना है और उसके बाद में थोड़ा सा झुककर, इसमें आप लोगों की थाइज मसल्स जो हैं या आप लोगों के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, और नीचे झुकना है क्रॉस साइड में। जैसे कि अगर आप लोगों का लेफ्ट हैंड है तो वो राइट लेग्स की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप लोगों का लेफ्ट हैंड है तो वो राइट लेग की तरफ जाना चाहिए, और जस्ट अपोजिट आप लोगों को करना है। तो क्रॉस ओवर टॉय टच जो है वो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए। इससे आप लोगों की बैली को, या हम लोग कहें साइड फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और सुंदर दिखने के बाद आप लोग अपने पिक्स को संभाल कर रखें, क्योंकि आप लोग जो हैं अब अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज के साथ हैं। तो रेस्ट कर लीजिए 10 सेकंड का, 10 सेकंड के रेस्ट ओवर होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस साइड हैंड मूव, और ये आप लोगों की दूसरी एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए करनी है। दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लीजिए क्योंकि साइड फैट आप लोग रिड्यूस कर रहे हैं। और अब आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट जो है वो टर्न करना है, यानी मुड़ना है, अपनी कमर को मोड़ना है लेफ्ट एंड राइट, दोनों पैर जो है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और हाथ को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड है तो राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, राइट हैंड है तो लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाएं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें ग्लूट्स जो है, एक सिंगल ग्लूट्स जो है वो मूव कर रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करनी है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। 40 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेल्फी का टाइम हो चुका है, सेल्फी ले लीजिए, और साथ ही अपनी स्लिम बॉडी के साथ हेल्दी रहिए, और मैं कहूँगा फिट रहिए। 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं डिजाइन फुल ब्रिज एक्सरसाइज। एक डिजाइन करते हैं फुल ब्रिज को इस प्रकार, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है, इससे आप लोगों का पेल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, तो लोअर बैली फैट जो है वो रिड्यूस होगा, और लोअर बैली के साथ साथ आप लोगों का जो साइड फैट है वो भी जो है वो कम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप लोगों का जो ग्लूट मसल्स है वो भी इसमें जो है अच्छी बनेगी। तो ये 6 एक्सरसाइज हैं जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साइड फैट को रिड्यूस करने में। तो 40 सेकंड का कंप्लीट वर्कआउट आप लोग, 40 सेकंड का ये कंप्लीट वर्कआउट आप लोग करें, डिजाइन करें फुल ब्रिज को, ठीक है। उसके बाद में फिर से आप लोगों का रेस्ट टाइम जो है वो है 10 सेकंड का रेस्ट टाइम है, आराम कर लीजिए, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इसमें हम लोगों को करना है रिवर्स प्लैंक, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स प्लैंक करना है। तो इसमें पूरा का पूरा फोकस आप लोगों के हैंड्स पर रहेगा, आप लोगों की बैली फैट को रहेगा कि आप लोग कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं 40 सेकंड्स के लिए इस प्रकार। अगर आप लोगों को ग्लूट्स जो है इस प्रकार बनाने हैं, और आप लोगों को बैली फैट रिड्यूस करना है, साइड फैट को रिड्यूस करना है, और एक कर्वी फिगर जो है आप लोगों को बनाना है,
तो डेफिनेटली आप लोग जो है ये 6 एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ेंगे। सुबह उठकर इन सभी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे और सभी एक्सरसाइज जो है फोकस करने वाले भी हैं। तो 40-40 सेकंड की सभी एक्सरसाइज है, 10 सेकंड का बीच में रेस्ट है आप लोगों को करना है। रिवर्स प्लांक 40 सेकंड के लिए इस प्रकार आप लोगों को करना है, जस्ट उल्टा आप लोगों को प्लांक करना है। प्लांक में हम लोग जो है पंजों के बेस पर रहते हैं, इसमें आप लोगों को एडियो के बेस पर रहना है। फिर से 10 सेकंड का रेस्ट आ चुका है, 10 सेकंड के लिए आप लोगों को रेस्ट करना है, आराम करना है, और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। रिवर्स प्लांक नी बेंट लेग रेज, रिवर्स प्लांक नी बेंट रेज देखिए इस प्रकार की एक्सरसाइज है। जस्ट आप लोगों को हाई प्लांक पोजिशन करना है लेकिन रिवर्स है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को नी बेंट करते हुए जो है अपने चेस्ट की ओर लाना है, उसके बाद में दोबारा से उसी पोजिशन पर उस लेग्स को ले जाना है, और उसके बाद में लेग रेज करना है, ऊपर की ओर पैर को उठाना है। फोकस ज़्यादा का ज़्यादा आप लोगों की बैली पर रहेगा, ग्लूट्स मसल्स पर रहेगा, साइड बैली पर रहेगा, लव हैंडल्स पर रहेगा, और आप लोगों के हाथों की मसल्स पर रहेगा। तो यहाँ की जितनी भी मसल्स है वो टोन्ड बनेगी, आप लोगों की हाथों की मसल्स टोन्ड बनेगी, साइड फैट जो है वो रिड्यूस होगा। तो लूज़ करें अपने साइड फैट को फास्टली इन सभी 6 एक्सरसाइजेस के साथ। अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट की। 10 सेकंड का रेस्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, आराम कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सुपरमैन प्लांक करना है। सुपरमैन प्लांक जो है कोबरा पोज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप लोग जो है साथ ही अपने बीच वाला जो पोर्शन आप लोगों का लव हैंडल वाला, वहां से दोनों हिस्सों को आप लोग लोअर वैली और अपर वैली को हिस्सों को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो इसे सुपरमैन पोज कहते हैं। और दोनों हाथ भी आप लोगों का साथ में उठते हैं, दोनों पैर भी आप लोगों का साथ में उठते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप लोगों को पैर और हाथों को दोनों को आपस में उठाना है। बीच में जब कमर जो स्पीच होगी तो बैली फैट रिड्यूस हो जाएगा, साइड बैली जो है वो एकदम सुंदर दिखने लग जाएगी आप लोगों की। तो ये 40 सेकंड भी आप लोग करें एक्सरसाइज को, उसके बाद में आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। तो अगर आप लोगों को 6 एक्सरसाइज करनी है, 8 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है, तो प्लीज़ 1 मिनट जरूर करें, और साथ ही एक्स्ट्रा फूड जो है बेकार का फूड जंक फूड आप लोग छोड़ दें, और इस प्रकार की जो स्किनी स्किन है आप लोगों की, लटकती हुई त्वचा है बहुत बार, और साइड फैली जो है देखिए किस प्रकार जो है गुब्बारा बनाकर आप लोगों के ऊपर जो है वो छाई हुई है अगर है, तो डेफिनेटली ये सभी एक्सरसाइजेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की है। तो 40 सेकंड के लिए आप लोग रिपीट कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को, और क्रॉस ओवर टॉय टच को आप लोग रिपीट कर सकते हैं, हैंड मूव्स को भी आप लोग रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का वार्म अप भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 40 सेकंड के लिए, और आप लोग जो हैं एक्सरसाइज करते करते हेल्दी भी रह जाएंगे। लेकिन इन सभी एक्सरसाइज में आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि सभी एक्सरसाइज जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, टोंड बनाती हैं आप लोगों की बॉडी को, आप लोगों की एक्स्ट्रा फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करती हैं। तो ये सभी एक्सरसाइजेज जो हैं आप लोगों के काम की है, 40-40 सेकंड की हैं, 10 सेकंड का बीच में रेस्ट भी आप लोगों को मिलता है। तो ये क्रॉस ओवर टॉय टच जो है 40 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आप लोग जो हैं रेस्ट करें 10 सेकंड का, और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आप लोग जो हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मूव कर दें, ठीक है। तो इसे जैसे कि क्रॉस साइड हैंड भी मूव आप लोगों को कर सकते हैं। तो ये 6 एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की हर वो कोशिश पूरी करता है जिससे आप लोग जो हैं अपनी बैली को रिड्यूस कर सकें, अपने आप को अच्छा बना सकें, फिट बना सकें, हेल्दी बना सकें, और अपनी थाइस को टोन बना सकें, ग्लूट्स को टोन बना सकें, साइड बैली को रिड्यूस कर सकें, साइड फैट को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये था वीडियो पूरा का पूरा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, जहाँ पर आप लग शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों की इच्छा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।